मेरा बताया हुआ ये रेमेडी लगा लीजिए अपने चेहरे पर लगातार 15 दिन तक। उसके बाद देखें आपके चेहरे से क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी, यानी किन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, यानी आंखों के नीचे आपके काले घेरे पड़े हुए हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। पिंपल बहुत ज्यादा है या फिर ओपन पोर्स की समस्या है, वो ठीक हो जाएंगे। आपका चेहरा बहुत ज्यादा अनइवन है, कहीं से साफ है कहीं से काला है, इस तरह का अनइवन चेहरा है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं या फिर स्कार्स हैं, या फिर आपकी स्किन धूप से झुलस चुकी है, डेड लेयर आ चुकी है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। आपकी स्किन पर एक ग्लोइंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन जो एकदम से मुरझाई हुई लगती है उस पे एजिंग आ चुकी है, तो एजिंग को स्लो डाउन करके आपके चेहरे पर नई चमक लेकर आएगा। बहुत इफेक्टिव ग्लो दिखेगा आपको अपने फेस पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, उसको एक बर्तन में डाल लीजिए। अब इसमें आपने डालना है एक चम्मच ग्रीन टी, जी हाँ ग्रीन टी, जो लूज ग्रीन टी मिलती है, आप वो इसमें डाल दीजिए। उसको अच्छे से आपने काढ़ना है। काढ़ने के बाद जब वो आधा ग्लास रह जाए, यानी आधा कप या आधा ग्लास रह जाए, तो उसको छन्नी की मदद से छान लीजिए, कांच के बाउल में या कांच के किसी बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी रेमेडी जो होती है वो कांच के बर्तन में हमें निकालनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से हमारी स्किन पर रिजल्ट दे, ना कि कोई साइड इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रेश नहीं है तो लगवा लीजिए, क्योंकि इसमें मार्केट वाले का जेल का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, हमारी स्किन पर। तो कम से कम आपने इसमें 4 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करने हैं। अगर फिर भी बहुत मजबूरी है, आपके पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मार्केट वाला पतंजलि का या कोई भी जो आपको सूटेबल है वो आप इसमें 4 चम्मच ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इसको कांच के किसी बर्तन में स्टोर करेंगे या फिर आप किसी स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसको अच्छे से शेक करना है और अपने पूरे फेस पे इसका स्प्रे कर लेना है। अगर स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप कांच की जो कटोरी जिसमें आपने स्टोर करा है उसमें कॉटन बॉल डिप करें, अपने जो पूरा फेस है उस पे लगा लीजिए, अपने कानों पर अपनी गर्दन पर इसको अप्लाई कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप इसको रोज लगाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके चेहरे पर एक नया ही निखार, नया ही ग्लो आएगा। आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग, साफ और बहुत सुंदर हो जाएगा। और इसका बेहतरीन निखार जो आपके चेहरे पर आएगा ना, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये मैंने यूज किया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करना चाहिए। काफी ज्यादा इफेक्टिव है, प्लीज इसको ट्राई करिएगा। एटलीस्ट 15 डेज तक रेगुलर इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ एक चीज का ध्यान रखना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है रोजाना आपने, तो कम से कम 3 से 4 लीटर का रेशो रखिए कि आपने पानी इतना इनटेक करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसी कुछ बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।